जी एक सवाल पूछूं थोड़ा सा। हाँ बोलो। आपने जो आप खा रहे थे कुछ मुरमुरा चना या लड्डू, आपने उसी हिस्से में से जो आप खा रहे थे उसको घोड़े को दिया। ये प्रेम है ना, वही बोल रहा था मैं खाऊं। हाँ मेरा साथ है, ये साथ है। हाँ, मेरे ये साथ है तो पहले मैंने को इसको देखना है। सही बात, साथी है ये, पहले मैंने को इसको इसकी सेवा करनी है, उसके बाद अपनी सेवा। सही सही सही, ये भाव देख के मुझे बहुत आनंद आया और दिल को अच्छा लगा कि कोई घोड़े की ऐसी भी सेवा कर सकता है। बाबा इधर देखो। बाबा जी यहाँ पे जो येवला मंडी में आए हैं और जो खुद खाए उन्होंने अपने घोड़े के लिए खिला दिया, मुरमुरा है और कुछ उसमें नमकीन है। ये प्रेम है भाई, और नेचर वाइज तो ये संत है, संत बोले तो सबको समानता देखना और हर कण कण में भगवान को देखना, चाहे वो घोड़ा हो या आदमी हो, संतों की यही पहचान है, वो सभी को एक जैसा देखते हैं। क्या हुआ? लड्डू, क्या बात है, लड्डू भी खिला दिया। ये बाबा नासिक से आए हुए हैं, लेकिन देखते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो तो वीडियो निकालने का नहीं बोले, शायद उनको नहीं पता होगा कि कैसा वीडियो निकालने के क्या करना है भाई, इसलिए वो नहीं बोले। लेकिन ये बगीचो है उसकी, ये घोड़े की स्पीड है वो ज़बरदस्त है, और देखेंगे उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा चला के बताइए ताकि लोगों को भी समझे कुछ। और बहुत अच्छा चलता ये घोड़ा बग्गी में, अच्छा भगा रहते, मैंने देखा भी था, देखते उनसे बात करेंगे। गाँव भी है, गाँव भी है, बिल्कुल गरीब है, कुछ काटता नहीं, कुछ काटता नहीं, कुछ नहीं करेगा। तो कितने दिन से बाबा अपने पास में साथ में? अभी 6 महीने से है। 6 महीने से, इससे पहले भी था क्या कोई घोड़ा? हाँ इससे पहले भी मैं घोड़ा पाल चुका हूँ, ये बात नहीं है। घोड़ा जो घोड़ा पाला है यार, हाँ जो घोड़ा पाला है यहाँ है ही नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ जो घोड़ा पाला है यहाँ है ही नहीं। अच्छा, क्या विशेषता थी वो ऐसी उसमें? हाँ? वो पहले घोड़े में क्या विशेषता थी जो ऐसा घोड़ा था? अरबी। अरबी, हाँ क्या बात है, अरबी घोड़ा था। अच्छा अच्छा, तो आप शिरडी में प्रॉपर शिरडी में रहते हो क्या? शिरडी में रहते हो? मेरे पिताजी का 4 जिले में नाम था उधर काशी में। अच्छा, दौड़ में देश में, मेरे पास मैं पुराना खानदानी हूँ। अच्छा अच्छा, घोड़ों के इसमें? घोड़ों के घोड़े देश में नहीं, ऐसे शौक के हिसाब से। हाँ, 3-3 लोग घोड़े पालने में लगते थे हमारे यहाँ, एक चलाने वाला साफा बांध करके। अच्छा, हाँ और एक जो है मालिश करने वाला, इसको नींद हटाने वाला। अच्छा अच्छा, यानी सेवा करने वाला अलग। हाँ, एक जो है तो वो करता खाना पीना देना। हाँ सब करता, खाना पीना देता, सब करता। थीक 3 आदमी लगते थे घोड़े को। अच्छा, तो आप क्या गाड़ी का प्रवास छोड़ के आप इसी में चलाते हो? तो मैं वो घर का लड़का हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, तो आप टमटम में चलाते हो कैसे? बहुत वाले मेरे पिताजी ने बहुत 120 किलोमीटर की रफ्तार घोड़े की। तो ये क्या उम्र का है अभी? 20 किलोमीटर की रफ्तार वो घोड़ा पाल रहा है। बाबा जी उम्र क्या है इसकी, उम्र क्या आएंगी? उम्र इसकी का जो ये है अभी जवान हो रहा, जवान घोड़ा है, जवान 2.5-3 साल का हो सकता है। 2.5-3 साल का? 2.5-4 साल का है। तो अभी क्या बग्गी और घोड़ा दोनों बेचना है आपको? दोनों बेचना है। क्या कारण है ऐसा? कारण ये है कि मेरे को मटके जाना है। अच्छा, तो आप प्रॉपर कहाँ से हो? काशी से हो? तो इतने इधर अपने महाराष्ट्र में कितने दिन से हो? महाराष्ट्र में 6 साल से हूँ। 6 साल से शिरडी में रहते? 6 साल से हूँ यहाँ, मेरे मत भी है ना।
अच्छा, नासिक में, तमकेश्वर में। अच्छा अच्छा, कौन से मठ से हो आप? मैं नागासन्यासी। नागासन्यासी, हाँ, नागासन्यासी। अच्छा अच्छा, बहुत संतों के पास में भी घोड़े रहते, मैं पहली बार देख रहा हूँ। होते हैं मेरे पास में, मेरे। अच्छा अच्छा, मठों में है ना? हाँ हाँ हाँ, हम लोग के मठों में। अच्छा, क्या कीमत? अच्छा बाबा जी, क्या कीमत वगैरह बोल रहे हैं आप घोड़े के और बाकी की? कीमत तो भाई देखो, मैं क्या बताऊँ, जो लागत है वो मिल जाए बस, बहुत है। हाँ तो क्या कीमत है बोल दो। 25,000 में मांग रहा हूँ सब दोनों मिला के। दोनों बहुत कम में बोल रहे हैं ना? अच्छा है, 25,000 तो ये लीजिए, 25,000। अच्छा, थोड़ा तो मैं क्या बोला, थोड़ा आप बैठ के चलाइए तो देखेंगे, समझ में आएगा। थोड़ा राउंड मारेंगे तो। हाँ आप ही बैठो, आप ही बैठो, आप खुद बैठो। नहीं नहीं, इनको बैठने दो, बाबा जी को ही बोला मैंने। आप रहने दो दोस्तों। ये बाबा जी है जिनको ये घोड़ा और बग्घी सेल करनी है। चल बादल, बादल नाम है किसका? चल सुल्तान। अरे वाह वाह, चल सुल्तान, चल भले, चल चल भले। आगे ले लो भाई, आगे ले लो, मारेगा लात मारेगा। वजन ज्यादा हो रहा है क्या उसका? अरे काई के काई घूम रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, संतों के भी ऐसे अलग अलग शोक रहते हैं, बताएंगे अपन आपको। जो यहाँ पे वो आए हैं, आज काफी भीड़ है। बहुत बढ़िया, आ गया। बग्गी और ये दोनों 25,000 में देने के लिए बाबा जी राजी है। उनको जाना है और उनको मठ में जाना है, बाकी ये इतनी बड़ी चीज लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे, इसलिए उनको बेचना ही है। तो बाबा जी, आप नंबर वगैरह भी रखते हो क्या? कुछ फोन वगैरह रखते हो? हाँ नंबर रखता हूँ। आपका नंबर बोल दो जरा। चलो देखो दोस्तों, ये संत लोग है, इनको परेशान ना करना। अगर आपको लेना होगा तो ही फ़ोन करो, नहीं तो बिगर काम के उनको परेशान ना करें, ताकि उनको तकलीफ ना हो अपने वजह से। वैसा अगर नंबर दिया है तो उनसे कांटेक्ट कर, लेकिन उनकी इच्छा है कि आज ही बेचा जाए तो यहाँ से वो निकल जाएंगे। तो ये शिरडी में अभी स्थायित है 6 साल से, और बग्घी और घोड़ा दोनों 25,000 रुपये प्राइस बोल रहे, उनको देना है। और अच्छा चल रहा है घोड़ा भी, कोई प्रॉब्लम। चलो बाबा जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा जी एक सवाल पूछू थोड़ा सा? हाँ बोलो। आपने जो आप खा रहे थे कुछ, हाँ, मुरमुरा चना या, हाँ, लड्डू, हाँ, आपने उसी हिस्से में से जो आप खा रहे थे उसको घोड़े को दिया, हाँ, ये क्या ऐसा कैसा प्रेम है? तो ये प्रेम है ना, वही बोल रहा था मैं, खाऊं, हाँ, मेरा साथ है, ये साथ है। हाँ हाँ हाँ, मेरे ये साथ है, तो पहले मेरे को इसको देखना है। सही बात है, सही बात है, अपना सारथी वो, सारथी है ये, पहले मैंने को इसको, इसकी सेवा करनी है, बराबर, उसके बाद अपनी सेवा करनी। सही सही सही। और संतों के नजर में तो हर चीज में, कन कन में भगवान है, तो उसमें भी भगवान है, उसको भी तृप्त करना अपना काम है। बराबर, सही बात है। चलो बहुत बढ़िया, आपका ये भाव देख के मुझे बहुत आनंद आया और दिल को अच्छा लगा कि कोई घोड़े की ऐसी भी सेवा कर सकता है। चलो बाबा जी, आप ऐसा, अपना नाम क्या है? नाम तो मेरा हर्षपुरी, हर्षपुरी महाराज। हर्ष, चलो ठीक है महाराज जी, चलो ओके, धन्यवाद।